फाइनली कनाडा की ठंड और हमारे चैनल की ठंड दोनों ही एक साथ खत्म हो चुकी हैं। तो लास्ट वीडियो हमारा आया था 2-3 महीने पहले जब काफी बर्फ वगैरह पड़ती थी और अब बाहर थोड़ी गर्मी गर्माहट आनी स्टार्ट हो गई है। तो फाइनल लंबे गैप के बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं और इस वीडियो को में काफी सारे आपको अपडेट मिलने वाले हैं रिगार्डिंग क्या हुआ पास में और आगे क्या क्या होने वाला है वही सब डिस्कस करेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं वीडियो को। चलो तो जी आज है 6 अप्रैल और टाइम हो रहा है अपना अभी ऑलमोस्ट 4 बजने को है और बाहर का देख लो अभी 10 डिग्री के आसपास है तो काफी गर्मी है। तो काफी टाइम हो गया आपको गाड़ी में नहीं घुमाया है और थोड़े बहुत काम भी करने हैं और सब कुछ जो बातें हैं अपडेट वगैरह की वो चलते चलते करते हैं ठीक है। तो जी की ये मेरे को आदत पड़ी हुई है जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो आई विल ट्राई कि पानी घर से लेके जाऊँ अपना सो दैट बाहर से ना लेना पड़े। तो अपना थोड़ा वो जो प्लास्टिक वेस्ट अपन क्या करते हैं वो चीज़ ना करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कनाडा की गर्मियों में। ये देख लो जी बाहर का टेम्परेचर अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 12 डिग्री। सारी जो बर्फ थी सब पिघल चुकी है यहाँ पे जो पहले पूरा व्हाइट व्हाइट था वो सब गायब हो गया अब सब ग्रीन ग्रीन लग गया। जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना अभी थोड़े टाइम में इनके ऊपर आपके ऊपर पत्ते आ जाएंगे और आपको लगेगा नहीं बंजर पना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा आपको पहले पुराना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि पुराना जो भी था लास्ट वीडियो में हमारा जो था वो स्टोरीज कहाँ तक पहुंची है। तो लास्ट जो वीडियो था बूढ़े के टॉपिक चल रहे कि इशू आया था इंडिया से एंड जो जो हमने काम कर लिया सिम और ये वो ले लिए थे उसके बाद अपडेट ये है कि हमारे लड़के ने ले लिया है 13 Pro 256 GB और नेटवर्क प्रोवाइडर हमने चेंज कर लिया। बट ऑब्वियसली बात है फ्रीडम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एज ए स्टूडेंट जब आते हो बहुत ही सही पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और सब कुछ आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी आपको फोन मिल जाता है इजीली। रिगार्डिंग बात रही जॉब्स की तो जॉब्स का अगर बताया था तो जहाँ पे अब देखो किसी का भी मतलब आपकी तरक्की क्या है मतलब तरक्की नहीं मतलब आपके यहाँ पे जैसे मैं कनाडा में पहले आ गया या आप कहीं भी एक्सपाई जगह पे हो तो आपके पहले जाने का फायदा क्या है। आपके पहले जाने का फायदा तभी है कि जब आपके बाद वाला कोई आ रहा हो तो आपकी सेम गलतियां रिपीट ना करे। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे या बड़े बड़े जो राइटर होते हैं वो अपनी बुक्स लिखते हैं और लोग पढ़ते हैं सो दैट वो उनकी नॉलेज से नॉलेज लें और अपने आप को थोड़ा एनहेंस करें इन टर्म्स ऑफ कि सेम प्रोसेस ना रिपीट करनी पड़े। तो जी जिस जॉब को मेरे को लेने में लगे थे 6 महीने या क्योंकि मेरे पास नॉलेज उस टाइम नॉलेज नहीं थी कॉन्टेक्स्ट नहीं थे अभी उसी जॉब को इशू को दिलवाने में हमें लगे हैं ऑलमोस्ट 1 महीना और थैंक्स टू ऑल माय कॉन्टेक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट पता है कॉन्टेक्ट कौन कौन है थैंक्स टू ऑल ठीक है जी। बाकी ये है कि घर वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने अपने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कर ली थी तो उसी घर में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसको भी एक कमरा वहीं पे हमने करा दिया था तो काफ़ी लाइफ सॉर्टेड है। अगर मैं उसके आने के वाले जो पूरी प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो ऐसी कोई हैसल हमें करनी नहीं पड़ी क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सेट ही था तो सारे एक्सपीरियंसेस काम आ गए हैं मेरे वाले भी और जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उनके भी तो अब वो टॉपिक सेटल डाउन है। रही बात और अपडेट की तो जी पुराने जो कुछ महीने गए इनमें काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी थोड़ा काम का लोड ज़्यादा था और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि 4 बजे के बाद तो डार्कनेस यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता था तो कोई जो शिफ्ट टाइमिंग है 9 to 7 होती थी तो मेरे पास कुछ टाइम बचता ही नहीं कुछ करने के लिए तो बस यही था मैं बिजी था बंदा। अभी थोड़ा टाइम मिला है तो आपको थोड़ा अपडेट दे देते हैं। तो जैसे जैसे समर आती है यहाँ पे जो ट्रैफिक है जो लोगों का बाहर घूमना फिरना है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी थोड़ा सा आज हल्के बादल लगे हुए हैं और बारिश की प्रिडिक्शन है अभी थोड़ा सा 10-15 दिन का गैप और है उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छा क्राउड इन टर्म्स ऑफ अच्छी गाड़ियाँ अच्छी बाइक काफ़ी लोग आपको यहाँ पे घूमते फिरते नजर आ जाएंगे जो कि कोई वॉक कर रहा है जो सब कुछ अब विंटर में सब कुछ अंदर स्लीपिंग सेल बने हुए थे वो सब अभी बाहर निकलेंगे। अपडेट ये है कि शायद से आपको इस चैनल पे आने वाले दिनों में काफी कुछ अलग देखने मिल जाएगा शायद से हम लोग आपको मोटो ब्लॉगिंग करते दिख जाएंगे शायद से हम आपको किसी और डेस्टिनेशन में घूमते नजर आ जाएंगे तो ये सब कुछ शायद में अभी तो अभी चीजें डाइसी हैं। अगर चीजें प्लान आउट हो जाती है सही से तो आपको अपडेट आ जाएगा उसका और मतलब 90% चीजें डन है और काफी चीजें एज टू एज चल रही है अभी। ये देख लो तेल का प्राइस यहाँ पे $1.68 हो चुका है और ये ऑलमोस्ट दो डॉलर के आसपास से नीचे अभी आया है तो ये मैं सुन रहा था इंडिया में रो रहे हैं कि तेल महंगा हो गया तेल महंगा हो गया। आई थिंक ये पूरे हर जगह पे ऑलमोस्ट तेल का क्राइसिस चल रहा है कि महंगा हो गया है। शायद से एक अपडेट ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल गाड़ी के ऊपर जाएँ गाड़ी स्विच करें और बैटरी बिजली पर जाएँ तो देखते हैं अभी काफ़ी कुछ चीज़ें प्लान आउट है अभी और सब चीज़ें मतलब अभी मिक्सअप सी हो रखी हैं
और थोड़ी सी भागा दौड़ी चल रही है, कुछ ये S2A चल रही है, तो है काफ़ी कुछ अभी। और जैसे कि साल के स्टार्टिंग वाली वीडियो अगर आप पीछे जाके देखोगे तो थोड़े बहुत प्रॉमिस किए गए थे कि अब हम जिम जाएंगे, अब वीडियो डालेंगे, अब हम PR के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें से भी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी चल रही हैं टूवर्ड्स गुड वे। और कुछ चीज़ जैसे कि जिम जाना है, वीडियो का तो आपको पता ही है नहीं डल रहे हैं, तो जिम जाना तो आप भूल ही जाओ कि मतलब फीस जा रही है, हम नहीं जा पा रहे हैं, बस वो सीन चल रहा है। मोटापा तो दिख ही रहा होगा आपको, चढ़ रहा है। मतलब मैं पूरे स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम तक आया है, मेरे को अभी भी याद है कि मैं सबसे पतला लड़का होता था अपने स्कूल में या क्लास में या कॉलेज में। और पता ही है आपको इंडिया में स्कूलों में तो नाम आपके कभी हड्डी पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया। तो आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट कि जिसका नाम ये पतले लोगों की लिस्ट में सबसे टॉप पे आता था, और 60, 65, 70 दिस वॉज माई मैक्सिमम उस टाइम पे। और अभी मतलब मैं कंट्रोल करके भी नहीं कर पा रहा हूँ, 90, 95 इज नॉर्मल जो चल रहा है मेरा, और सारा फैट मुंह पे या बेली पे यही चढ़ रहा है। तो इसको भी करना है, मतलब करना है बट हो नहीं पा रहा है। चीज़ें हैं, दुख भी हैं, सुख भी आएंगे, समझ नहीं पा रहा है मतलब। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसलिए ये वीडियो भी मतलब कई बार सोचता बनाऊं फिर सोचता नहीं बनाऊं। आज फाइनली मैं चलो बनाते हैं और शाम तक आई विल ट्राई की एडिट एंड अपलोड दिस वीडियो। बाकी काम सारे जी यहाँ का ये देख लो, ट्रक है यहाँ का, इतना साफ तो ट्रक है यहाँ का, ये शक्ल देख लो इसमें। मतलब काफी टाइम हो गया, मतलब धूल वगैरह देखे भी काफी टाइम हो गया, हॉर्न सुने भी काफी टाइम हो गया। होता है ना अपने इंडिया में कहीं जा रहे हैं तो कभी गोबर की स्मेल, कभी कचरे की स्मेल, वो स्मेल भी मतलब ठीक है, अच्छी नहीं होती, बट एक होता है ऐसे वो फील बना रखती है किसी चीज की, तो वो चीज है। एक स्ट्रीट फूड की होगी कि आप जा रहे हो चाउमीन बन रहे हो, तो ये काफी सारी चीजें अभी चल रही है कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है। तो 3 साल मेरे ऐसे बंदे के लिए बहुत है जो आज तक अभी घर से बाहर रहा नहीं है। तो और मैं थोड़ा सा हूँ भी होमसिक काइंड ऑफ पर्सन, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से इतने टाइम दूर रहा हूँ, 3 साल हो भी। तो ठीक है, अच्छे के लिए बंदा दूर होता है बट साथ साथ में क्या है काफी चीजें मिस आउट भी करता है। ऑल तो घूम फिर यहाँ भी सकते हैं बट यहाँ पे घूमने फिरने वाली फीलिंग नहीं है। और ये क्यों नहीं है आपको आने वाले दिन में बताऊंगा मैं, थोड़ा रुक के। अभी इंडिया में क्या करते हैं अपन लोग, बार्गेन करते हैं ना कि भैया पीछे दुकान पे इतना मिल रहा है, इतना यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे वैसा बार्गेनिंग नहीं होती है, यहाँ पे जो होता है उसे बोलते हैं प्राइस मैच। तो अगर आपको कोई शॉप पे सामान सस्ता मिल रहा है और दूसरी शॉप पे महंगा मिल रहा है, या आपने ऑनलाइन देखा कोई सामान सस्ता है इस रेट में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे जिस स्पेसिफिक स्टोर पे आप खड़े हो उन्हें बोलोगे कि दिस मतलब ये प्राइस तो आप ज़्यादा दे रहे हो और बाकी स्टोर पे इतना मिल रहा है, तो आप उन्हें दिखाओगे प्राइस तो वो उस लोअर प्राइस पे आपको मैच करके दे देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है कि आप लोएस्ट प्राइस में परचेज करते हो। और इवन ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है, मान लो आपने कोई चीज़ परचेज करी और 10 दिन बाद आपने उसका ऑनलाइन या कहीं और पे चेक किया रेट की, उसका रेट डाउन हो चुका है, तो आप अपने बिल वगैरह लेके जाओ और अगर आपके टैग वगैरह इंटैक्ट हैं तो आप उसको जाके बोलो कि दिस इज़ द प्राइस और मैंने इतने पे लिया था, अब इसका इतना हो चुका है, तो आपका वो भी प्राइस मैच करके दे देते हैं, नीचे करके दे देते हैं। तो बाकी एक अपडेट छोटा सा ये भी, आज हमारा मिस्ट्री बॉक्स डिलीवर होने वाला है और आई होप ये वीडियो एंड करते करते वो डिलीवर हो जाए, तो इस वीडियो में आपको वो भी दिखा दूंगा उस वीडियो उसमें मिस्ट्री बॉक्स में क्या है अपने पास। काफ़ी टाइम बाद निकली है मतलब चीज़ें, और मेरे पास ऐसा हो रहा है मैं ये बता दूँ वो बता दूँ ये बता दूँ वो बता दूँ, तो इतना सब कुछ हो चुका है, बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आई विल ट्राई कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूँगा, जितने चीज़ें हैं उतनी ही बताएं, बाकी स्टोरी स्टोरी अगले वीडियो को बताते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में फिर कुछ मिलेगा नहीं बनाने के लिए, फिर ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर सोचूंगा बनाऊँ वीडियो फिर होता है नहीं बनाऊँ वीडियो, तो ये चीज़ें चलती रहती है। आई थिंक कनाडा की हवा पानी में कुछ तो है, यहाँ पे जो फैट होता है ना फैट गेन बहुत इजीली होता है, और ये मेरी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादातर जो भी आपको मिलेंगे या आपके कोई जानने वाले हैं वो सब ये कंप्लेन करेंगे कि यहाँ पे आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो हार्डली मैटर, आपका वेट बढ़ता है। भाई की देखो जॉ लाइन चलेगी, पहले जब मैं यहाँ पे आया था थोड़ी बहुत जॉ लाइन थी, अभी जॉ लाइन जाके जॉ चर्बी होगी यहाँ पे मुँह पे, गजब बेइज्जती है। एक अपडेट ये भी है कि जहाँ पे हम लोग रह रहे थे जिस घर में वो भी चेंज करना है अपने को, थोड़ा मतलब उसके लिए भी ढूंढ रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको एक नई लोकेशन दिखेगी, तो वो प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कि घर लेने की पूरी घर लेने नहीं घर रेंट करने की पूरी प्रोसेस कैसी है, ढूंढने की और क्या है। अभी ट्राई कर रहे हैं कि सेपरेट मिल जाए जहाँ पे दोनों लोग, क्योंकि अकेले बंदे के लिए पूरा रेंट करना थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ जाता है, बट दो लोग शेयर करके ले सकते हैं, तो ट्राई करेंगे कि कुछ ढंग का मिल जाए, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना हो। बिकॉज अभी क्या है कि मैं जब भी रहा हूँ, मैं रहा हूँ लैंडलॉर्ड के साथ में, तो हमेशा लैंडलॉर्ड वाले घरों में क्या होती है कि लैंडलॉर्ड साथ रहता है, तो हमेशा की किच किच पिच पिच उनकी रहती रहती है, और शुरू में सब ठीक रहता है, पर बाद में स्लोली स्लोली जब उनको भी कुछ दिक्कत है या फिर हमें कुछ दिक्कत है, तो ऐसे फिर दिक्कत ही दिक्कत होती है। फिर सारा बताएंगे, मतलब काफ़ी कुछ है, और मैं सोच रहा हूँ कि बस अब वीडियो में बोलूँ
काफी बार होता ना कि आप सोच रहे होते कि मैं ये बोलूं ये नहीं बोलूं, ये बोलूं या नहीं बोलूं, फिर जब किए तो लोगों ने देखा होगा, लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, बट फिर जब मैंने देखा कि आप YouTube पे देखोगे सुई में धागा डालने पे भी आपको दो दो तीन तीन मिलियन व्यू निकल दिख जाएंगे, जैसी भी खुदाई के ऊपर आपको 20-20 मिलियन व्यू मिल जाएंगे, तो जब भाई लोग उसको देख के इतने व्यू दे रहे हैं तो ठीक है हमारे कम व्यू आ जाएंगे, बट ठीक है चल जाएगा। और अगर हम 10 मिनट की बकवास करेंगे उसमें 1 मिनट का कंटेंट, 1 मिनट का ज्ञान तो आएगा, तो ठीक है ज्ञान भी उसमें आता रहेगा, तो अभी सब चीजों को अवॉइड करके बस अभी पूरा ध्यान उस पर रहेगा, कांटा घोलो लगाओ पे फटाफट। देखो जी ये दोस्तों ना मूवी में ऐसी कार नहीं थी, उसके अभिषेक बच्चन के पास में, तो समर के टाइम पे यहाँ पे इतनी सही सही ऐसी गाड़ी निकलती है, मतलब विंटेज ये कार होती है, ये कोई पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ब्रांड भी नहीं पता इनकी, तो ये समर टाइम में इतने सही सही यहाँ पे गाड़ी आती है, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाइड करना और रीबिल्ड करना काफी हद तक लीगल है, तो लोग अपनी गाड़ी को विंटेज गाड़ी को थोड़ा बना रखते हैं, और देखा है मैंने मतलब फुल इंटरेस्ट से काम करते हैं, और लाइक अ प्रोजेक्ट कि मतलब बाप बेटा अगर है गैराज उनकी गाड़ी देगी और लाइक अ प्रोजेक्ट उसको पूरा बनाते हैं, ड्रीम होता है जैसे कि जो मूवी में दिखाते हैं कि उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस में गाड़ी बनाई है, वो एक्चुअली रियलिटी का सीन है यहाँ पे, तो होता है। बाकी जी आ चुके हैं हम अपने ये स्टोर पे, ये है विजन इलेक्ट्रॉनिक, तो आप में से अगर कोई भी कनाडा के अंदर रह रहा है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे काफ़ी रेट में फ़र्क आता है इस दुकान पे स्टोर पे, और अगर आपको कहीं और सस्ता मिल रहा है तो ये उसको प्राइस मैच करके ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा और प्राइस नीचे करें, तो फिलहाल चलते हैं और दिखाते हैं क्या लेने आए हम लोग, लेके आते हैं ये लेना है ये जल्दी, इसका प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, 699-700 चल रहा है, ये थोड़ा सा बजट के बाहर जा रहा है, क्योंकि ड्रोन मैंने टेस्ट किया था, बड़ा मज़ा आता है ड्रोन उड़ाने में, तो लेना तो है बट कब लेंगे पता नहीं। और हीरो 10 भी है यहाँ पे, अपने पास GoPro है 7, अपने पास GoPro 7 है बट यूज़ इतना हो नहीं रहा है, स्टोर है यहाँ पर, टीवी वगैरह पूरे मिल जाएंगे यहाँ पे, तो फिलहाल करते हैं अपनी शॉपिंग और दिखाते हैं क्या है। सर जी अपने आ चुके हैं एयरपोर्ट, सेकंड जनरेशन ये लिए गए हैं अपने मित्र की डिमांड पे, और कौन है किसको है वही बताएंगे आगे आपको, ये सारे अपडेट हैं आपके लिए जो आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में आने वाले हैं, ये वीडियो आधा दूरों से बनेगा जहाँ पे बातें मैं आधी बताऊँगा पर आधी बताऊँगा, तो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगी कहाँ है ये चीज़ें लिंक हो रही हैं, तो बस आप जी ऐसा हो रखा है कि जैसे बाहुबली का पार्ट 1 पार्ट 2, तो अगर आपको पूरी स्टोरी देखनी है और ये देखना कटप्पा ने क्यों मारा तो आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, तो ये चीज़ें कहाँ लिंक हो रही है तो आपको सेकंड वीडियो जिसके बाद आएगा वहाँ तक आपको देखना है, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं फ्रेंड के पास, थोड़ा चाय पीते हैं, खोल दो। ये स्पेसिफिक ये लिखा है ऊपर, लेफ्ट टर्न ओनली, तो जब मेरा सिग्नल होगा तब मैं जाऊंगा। इतने टाइम बाद देखो ना, मतलब पुराने पिछले 6 महीने से यहाँ बर्फ ही बर्फ चिकड़ हो रहा था, तो अभी देखो 6 महीने बाद इतना सही लग रहा सांस आई है लिटरली, अंदर से मतलब एक्साइटमेंट देख रहा हूँ चीजों को लेके, ये अलग ही लेवल का है। स्लो गाने सुनने ना आजकल मतलब बीच में होता है जब होते हैं ना अपन लोग ज़्यादा जवान 25-26 तो दिचिक 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 सुनने में ज़्यादा है, आजकल जैसे थोड़ा टाइम हो गया जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है उतने ज़्यादा स्लो गाने सुनने में कर रहा है, तो आजकल थोड़े से स्पॉटीफाई पर ट्राई करना, स्पॉटीफाई पर बॉलीवुड सनसेट बड़े सही से गाने हैं स्लो एकदम। ऐसे गाने और ऐसा व्यू मिल जाता ना सब कुछ होता है, रिलेट हो रही चीज़ें। और लास्ट ईयर की बात है कब मैं एक बार हाईवे से आ रहा था, तो वो गाना नहीं स्वदेश मूवी का कि कौन सा है यार वो गाना जिसमें ये जो देश है तेरा जो ये मिट्टी बुलाए ये जो देश है, वो गाना नहीं ये तो इन द बिनिंगिंग वो गाना नहीं है जो ये जो देश है तेरा स्वदेश है मेरा, भाई साहब वो गाना सुन के जो गूज़बम्प्स होते हैं ना बाहर कंट्री में बैठ के, मुझे नहीं पता औरों को हुए नहीं हुए
बट मुझे लिटरली ऐसा हुआ, मैं साला ऑल्दो मैं नासा में काम नहीं कर रहा हूँ बट वो जो गाने के लिरिक्स है ना वो डिफरेंट लेवल पे हिट होते हैं, बहुत तगड़े। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अभी घर, और मैं घर आया था स्पेशल मिस्ट्री बॉक्स के लिए, बट अभी तक देख लो राजे का कुछ नहीं पड़ा है, मतलब उसकी डिलीवरी आज तो नहीं हुई है, तो आज नहीं हुई तो होपफुली कल उसकी हो जाएगी। तो कल का जो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग से ही करेंगे, एंड आज की इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ पार्ट वन है, जितने भी अपडेट्स की मैंने बात की है, आने वाले वीडियोज़ जिसके बाद आएंगे आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली क्या होने वाला है। और इस वीडियो को इतने रखते हैं यहाँ तक, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर जो भी अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ ये सब मैं पहले इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आ रही होगी, उस पर जाके फॉलो करो, सो देट आपको पूरी स्टोरी का क्रक्स पहले पता लग जाए एडवांस में। तो आपको किसी ऐसे वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।